Hey everybody, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल। आज के इस वीडियो में हम इलेक्शन कमीशन के बारे में जानेंगे, पर इससे पहले कि हम इलेक्शन कमीशन की कंपोजिशन और उसके फंक्शंस के बारे में जानें, चलिए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जान लेते हैं। इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन और इंडिया का पहला जनरल इलेक्शन हुआ था 1951 से 52 के बीच में, जिसमें 17 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स थे। अब इंडिया के पहले जनरल इलेक्शन से लेकर 2019 के 17 जनरल इलेक्शंस तक बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जैसे आर्टिकल 326, जिसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के नाम से भी जाना जाता है, और यही आर्टिकल है हमारा राइट टू वोट। ध्यान रखिए कि ये जो राइट टू वोट है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। अब 1988 तक आर्टिकल 326 ये कहता था कि वोट देने की मिनिमम एज है 21 ईयर्स, पर 1988 में आया 61st अमेंडमेंट एक्ट, जिसने वोटिंग की एज 21 ईयर्स रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दी। हमारे करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोरा, और 2019 के 17th जनरल इलेक्शन में दुनिया के सबसे ज्यादा 90 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स है। अब ये टर्म जनरल इलेक्शंस बार बार क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि इंडिया में तीन टाइप के इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शन या फिर लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन और स्टेट असेंबली इलेक्शंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब क्योंकि हमारे कंट्री में फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो होता है, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब जो भी पावर्स है उन्हें इक्वली स्टेट और सेंटर के बीच में बांटा जाता है, इसलिए लेजिस्लेटिव को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंटर और स्टेट। स्टेट में होता है स्टेट लेजिस्लेचर, जिसे विधानसभा भी बोला जाता है, वहीं सेंटर में होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट दो हाउसेस से मिलकर बनता है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं और इसकी करंट ऑक्यूपेंसी है 245 सीट्स। इसका सीट एलोकेशन भी देख लेते हैं, 233 मेंबर्स स्टेट असेंबली से आते हैं, वहीं 12 मेंबर्स डायरेक्टली प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। अब लोकसभा को देखते हैं, इसकी मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी 552 सीट्स की है और इसकी करंट ऑक्यूपेंसी 545 मेंबर्स की है। इसमें 530 मेंबर्स स्टेट से आते हैं, 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरी से आते हैं, वहीं दो एंग्लो इंडियंस डायरेक्टली प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। लोकसभा में जिस भी पार्टी के पास 50% से ज़्यादा सीट्स आती है, वही पार्टी अपनी गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है। अब लोकसभा का करंट एलोकेशन है 545 सीट्स, जिसमें से दो एंग्लो इंडियंस प्रेसिडेंट डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं, तो बची 543 सीट्स, जिसका 50% हुआ 272। 23rd में 2019 को इस असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं। जिस भी पार्टी के पास 272 या उससे ज्यादा सीट्स होंगी, वही पार्टी अपनी गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करेगी और उस पार्टी का लीडर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होगा। चलिए अब इलेक्शन कमीशन के बारे में जानते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में, मतलब आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में इलेक्शंस कवर किए गए हैं। ये जो आर्टिकल 324 है, ये कहता है कि हमारी कंट्री में एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा जो कि फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवा सके। आर्टिकल 324 ये भी कहता है कि पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा और लोकसभा, स्टेट असेंबली मतलब विधानसभा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इन चारों के इलेक्शंस ये इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करवाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन चारों में तो सभी कवर हो गए, बचा क्या? तो याद है कि जब हम इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स डिस्कस कर रहे थे, तो हमने ये जाना था कि 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट के थ्रू हमारी कंट्री में पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो म्यूनसिपैलिटी, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और भी जो बाकी लोकल अथॉरिटीज है, इन लोकल अथॉरिटीज का इलेक्शन इलेक्शन कमीशन कंडक्ट नहीं करवाती है, इनका इलेक्शन कंडक्ट करवाती है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये ध्यान दीजिए कि स्टेट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन दो डिफरेंट और इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज हैं। तो इलेक्शन कमीशन सिर्फ पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इन चार के इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है। अब इलेक्शन कमीशन के कंपोजिशन को भी देख लेते हैं। तो हमारा इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट करता है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसे चेयरमैन भी कहते हैं,
और दो इलेक्शन कमिश्नर, इन तीनों को ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इन तीनों की पावर इक्वल होती है, तो अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो वोटिंग के थ्रू मेजॉरिटी से सॉल्व किया जाता है। और इन तीनों की सैलरी और बेसिक अलाउंसेस इक्वल होती है और वो सिमिलर होती है एक सुप्रीम कोर्ट जज से। साथ ही साथ इनका टर्म ऑफ ऑफिस होता है 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। इसके साथ ही इस टाइमलाइन को समझते हैं। 1950 मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था तब, 1950 से लेकर 1989 तक हमारा जो इलेक्शन कमीशन था वो एक सिंगल मेंबर बॉडी था, सिर्फ एक ही मेंबर था। पर 16th अक्टूबर 1989, ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अराउंड आया था 61st अमेंडमेंट एक्ट, जिसने वोटिंग की एज 21 ईयर्स से रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दी थी। अब एज रिड्यूस की थी मतलब वोटर्स बढ़ गए थे, काम भी बढ़ गया था, इसलिए इस सिंगल मेंबर बॉडी को बना दिया था एक मल्टी मेंबर बॉडी। तो 1989 को इलेक्शन कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गया, पर 1990 को इस पोजीशन को फिर से रिवर्स कर दिया गया और इसे बना दिया एक सिंगल मेंबर बॉडी। पर 1993 को इस पोजीशन को फिर से रिवर्स किया गया और 1993 से लेकर आज की डेट तक हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो एक मल्टी मेंबर बॉडी है। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोरा और हमारे दो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। चलिए कुछ और ऑफिसर्स का नाम भी जान लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट में जो भी इलेक्शंस होते हैं उन इलेक्शंस को सुपरवाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स। स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जो भी इलेक्शन होते हैं उन्हें सुपरवाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। और पार्लियामेंट में जो भी इलेक्शन होते हैं उन्हें सुपरवाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। क्या आपको पता है कि 1982 के आसपास ही इंडिया में पहली बार ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज की गई थी। इसके बावजूद 1998 तक हम मेनली बैलेट पेपर के थ्रू वोट कास्ट करते थे। 2004 से ही ऐसा हुआ है कि वोटिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ ईवीएम्स यूज की जाती है। एक और बात, क्या आपको ये पता है कि वोटिंग के वक्त ये जो इंक लगाई जाती है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इनडेलिबल इंक। और इंडिया की एक ऐसी क्लॉथी कंपनी जो इस इनडेलिबल इंक को मैन्युफैक्चर करती है, साथ ही साथ 20 से ज्यादा कंट्रीज में इसे सप्लाई करती है, उसका नाम है माइसोर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर हाँ तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। साथ ही साथ इफ यू हैव एनी क्वेरी या अगर किसी टॉपिक को लेकर आपके पास सजेशन हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।